अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। चलिए अब अपना माइक बंद करिए और जिसको मेरी आवाज आ रही है जल्दी से मुझे स्क्रीन पे क्या करेंगे आप लोग, क्या करके बताएंगे मुझे। वेरी गुड, देखो आयशा ने बताई मुझे थम। वेरी गुड, यानी मुझे अब ये भी नहीं बोलना पड़ रहा है कि आप लोग मुझे स्क्रीन पे थम बताओ जिनको मेरी आवाज नजर सुनाई दे रही है और मैं नजर आ रही हूँ। ठीक है, चलिए क्या है ये बताओ। पैरोट हाँ, और इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यार से, मिट्टू। तोता मिट्टू मिट्टू। कहते हैं, मिट्टू सुने, मिट्टू हाँ मिस। हमारा छोटा सा मिट्टू है ये आपके सामने आया है आज। ठीक है, और वो अपने आपको क्या कह रहा है मालूम है, मैं तोता मैं तोता मैं तोता मैं तोता, हरे रंग का हूं दिखता, चोच मेरी लाल रंग की, चोच मेरी लाल रंग की, मिट्टू मिट्टू मैं करता, मिट्टू मिट्टू मैं करता, मिट्टू मिट्टू मैं करता। कौन से कलर का है ये हमारा तोता? ग्रीन। ग्रीन। कौन से कलर की है? लाल कलर की है। ठीक है, मिट्टू 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 मिट्टू, देखो कितना छोटा सा, देखो उड़ने ना लग जाइए, देखो गौर से असली है कि नकली है। ठीक है, नकली। मैं तोता नीले गगन में मैं उड़ता, मैं तोता नीले गगन में मैं उड़ता, फल सब्जियां खाता हूँ मैं, फल सब्जियां खाता हूँ मैं, मिट्टू मिट्टू मैं करता, मिट्टू मिट्टू मैं करता। अच्छा लगा तो आयशा तो हंसने लगी है। ठीक है, आप लोग को एक पोयम में याद दे करवाती हूँ ना, ये तो आपको एक एक पोयम याद करनी है तो हमारे बड़बड़ गीत हो जाएगा, एक पोयम हमेशा आपको याद हो जाया करेगी। ठीक है, कितनी सारी पोयम मैंने आपको बताई है ना। हाँ, उतनी अगर आपने याद कर लिया तो कितनी सारी पोयम्स आपको याद हो गई होती। ठीक है, चलिए हम अपने लेसन की जानिब बढ़ते हैं। हम उर्दू मीडियम के टीचर्स बच्चे आज 21 दिसंबर को आपके सामने मैं आई हूँ अपना इंग्लिश का लेसन लेकर। मेरा नाम है खान शबनम मोहम्मद लियाज और CNO जावेद सर और शगुफ्ता टीचर के साथ में। ठीक है बच्चों, और मेरा टॉपिक है बिल्डिंग सेंटेंसेस। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिल्डिंग सेंटेंसेस। आपको पहले नंबर, सबसे पहले आपको इस टॉपिक को समझना होगा बच्चों। बिफोर गोइंग फर्दर, हमको आगे जाने से पहले बिल्डिंग सेंटेंसेस इसको समझना होगा। बिल्डिंग का मतलब होता है, आप लोग जो बिल्डिंग में रहते हैं ये वो बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पर बिल्डिंग का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना, बनाना। हाँ हाँ कोई भी चीज को बनाना। ठीक है बच्चों, देखो अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको आंसर्स नहीं देना है, मैं आपको कोई सवाल करूंगी ना तो उसका आंसर देना है। और सेंटेंस का मतलब है जुमले, यानी हमको यहाँ पर क्या बनाना है, जुमले बनाना है। ठीक है, इससे पहले आपने वर्ड बिल्डिंग पढ़ा था कि नहीं? वर्ड बिल्डिंग में आप लोगों ने क्या बनाया था? वर्ड बनाए थे। बट नाउ ओवर हियर वी आर गोइंग टू मेक अ सेंटेंसेस, एक नहीं बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंसेस, यानी एक नहीं बहुत सारे हम लोग जुमले बनाएंगे। तो वर्ड बिल्डिंग हो गया हमारा, अभी हम लोग क्या बनाएंगे, बिल्डिंग सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर वी हैव 3 houses, हमारे पास यहाँ पर 3 घर है। चलो घरों को लेकर हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं। इसकी बिल्डिंग बनाते हैं, सेंटेंसेस की बिल्डिंग बनाते हैं। ये हमारे पास में 3 हाउस है, विच इज ब्लू कलर, वन इज इन ब्लू कलर, एक है कौन से कलर में, ब्लू कलर में है।
एक है येलो कलर में और एक है ग्रीन कलर में, और इसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? वर्ड्स लिखे हुए हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस। इस वर्ड्स की मदद से हमको क्या बनाना है? सेंटेंसेस बनाना है। ओके, इन दिस हाउसेस, इसके अंदर हाउसेस के अंदर वर्ड्स लिखे हैं। ओके, द लायन इसके अंदर जितने वर्ड्स लिखे हैं वो हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है? लाइन बाय लाइन मैं पढ़ती हूँ, आप लोग को सुनना है। ओके, डोंट रिपीट द वर्ड्स। द लायन यानी शेर, द माउस यानी चूहा, कैट यानी बिल्ली, एक बिल्ली, अ डॉग एक कुत्ता, अमित इज द नेम ऑफ ए बॉय, ये एक लड़के का नाम है अमित, नीता इज द नेम ऑफ अ गर्ल, ये एक लड़की का नाम है, ठीक है? अ फ्यू मैन, कुछ आदमी, मैन एम ई एन यानी बहुत सारे आदमी या कुछ आदमी, एक से ज्यादा। अगर एक आदमी होता यहाँ लिखा होता एम ए एन यानी फ्यू यानी कुछ आदमी, सम चिल्ड्रन यानी कुछ बच्चे। ये एक हमारे हाउस में इतने सारे वर्ड्स है। नाउ लिसन टू द सेकेंड वर्ड्स, ये जो सेकेंड वर्ड्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? येलो हाउस, इसके अंदर कुछ हमारे पास है वर्ब है, ये जो पास्ट टेंस में वर्ड है बेटा, स्लेप्ट यानी सो गया, सोया नहीं है सो गया, अभी सो नहीं रहा है, ये माजी की बात हो रही है। आपने उर्दू में माजी हाल मुस्तकबिल पढ़ा है ना बेटा, तो ये माजी यानी yes, जो गुजर गया। हाँ, ये गुजर गया। अगर वो सो रहा होता तो यहाँ पर स्लीपिंग होता, लेकिन ये क्या लिखा हुआ, स्लेप्ट यानी सो गया, slept, सो हाँ, गया। माजी में कम हो गया। रैन यानी वो भाग गया, ठीक है? जम्प यानी वो कूद गया, क्लाइम हाँ, डोंट रिपीट बेटा, रिपीट क्लाइम यानी चढ़ रहा नहीं है, अगर क्लाइमिंग होता तो होता है चढ़ रहा, लेकिन क्लाइम्ड है यानी वो चढ़ गया, झाड़ पे चढ़ गया या किसी दीवार पे चढ़ गया। वॉक्ड यानी वो चला गया, फेल यानी वो गिर गया। ओके, ये जो वर्ड्स है ये पास्ट टेंस के वर्ड्स है, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, यानी ये काम हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट ग्रीन हाउस, अब ग्रीन हाउस में से हमको वर्ड जो लेना है वो हमको मदद करेंगे सेंटेंस को कंप्लीट करने में। अंडर द ट्री यानी ट्री के नीचे, टू द वॉल यानी वॉल तक, दीवार तक, वॉल का मतलब होता है दीवार, फ्रॉम द ट्री यानी ट्री से, यानी ट्री के पास से। ओके, अ वॉल, वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार। ओके, ऑन द वॉल यानी दीवार के ऊपर, ऑन द मैट यानी चटाई, जो मैट जो है उसके ऊपर। अब हमको क्या करना है, ब्लू हाउस से एक वर्ड लेना है, ग्रीन यहाँ से, ग्रीन हाउस से एक वर्ड लेना है, और येलो हाउस से एक वर्ड लेके हमको अपना सेंटेंस, अब मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। मीनिंगफुल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसका कोई मतलब हो, ऐसे नहीं कि हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते जिसका कोई मतलब नहीं, ठीक है? हम लोग जुमला भी कहते हैं तो उसका एक मतलब होता है ना बेटा। तो देखिए, मैंने एक अभी डार्क कलर किया है, द लायन, सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिया है फर्स्ट ब्लू हाउस से, द लायन। अब मैं सेकेंड हाउस पे आऊंगी, स्लेप्ट, मैंने सेकेंड हाउस से लिया है स्लेप्ट यानी सो गया। अब मुझे यहाँ चुनना है कि मीनिंगफुल सेंटेंस क्या लू, वॉल पे सो गया, ट्री के ऊपर सो गया, ये वॉल के अंदर सो गया, मैट के ऊपर सो गया, तो मुझे ऐसा सेंटेंस बनाना जिसका कोई मतलब हो, मैं कुछ भी नहीं ले सकती, तो मैंने यहाँ लिया है अंडर द ट्री, कि लायन जो है हमेशा जंगल में होता है ना, ट्री होता है, अगर केज में भी होगा तो वो ट्री भी होगा वहां पर, तो मैंने लिया द लायन स्लेप्ट अंडर द ट्री। अभी से सेंटेंस ट्री हाँ, वो ट्री के नीचे सो गया। अब इसी सेंटेंस को हम लोग पिक्चर की मदद से देखेंगे, द लायन स्लेप्ट
अंडर द ट्री. लुक एट द पिक्चर. लुक ये देखो ट्री है यहाँ पर और ट्री के नीचे क्या हो गया, लायन क्या हो गया है, सो गया. तो दिस इज आवर फर्स्ट सेंटेंस फ्रॉम द हाउस. जैसे हाउस में हम लोग ने पहला मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया है. ओके, द लायन स्लेप्ट अंडर द ट्री. नाउ नेक्स्ट हम लोग अपने सेकेंड सेंटेंस की जानिब बढ़ते. अब यहाँ पर तो हाउसेस में बहुत सारे वर्ड्स हैं. चलिए हम लोग अभी अपना नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं जिसका कोई अच्छा सा मतलब हो. अभी आपको मैं गूगल फॉर्म भी दूंगी ना. लिसन, पहले मुझे आपको पढ़ा लेने दीजिए, फिर इसके बाद में जब आपको इवेल्यूशन होगा ना देन यू विल आंसर. ओके, मुझे पहले एक्सप्लेन करने दीजिए. हाँ, तब देखते 10 out of 10 किसको मिलता है. ओके, द माउस जंप्ड. देखो आप लोग तो सोच रहे थे मिस रैन लेंगे, नहीं मैंने ले लिया जंप. मुझे बनाना है जंप के ऊपर, मैं नहीं लूंगी रैन. मुझे अच्छा लगता है ये सेंटेंस. जरूरी नहीं है कि यहाँ से मैंने फर्स्ट वर्ड लिया है फर्स्ट हाउस से तो यहाँ से भी मैं फर्स्ट ही लू और यहाँ से फर्स्ट. नहीं, आप लोग बीच में से कोई भी चुन सकते हैं इसकी जोड़ी बनाने के लिए. ओके, इसलिए मैंने जान कर सेकेंड नहीं लिया. नहीं तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, जब आपके सामने टेबल आएगा या हाउस आएगा ना, तो यहाँ से पहला, यहाँ से पहला और यहाँ से पहला, यहाँ से सेकंड, यहाँ से सेकंड और यहाँ से सेकंड. नो, डोंट डू लाइक दिस वे. यू हैव टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. द माउस जंप ऑन द मैट. माउस क्या कर रहा है, किसके ऊपर कूदा, कूद गया किसके ऊपर, मैट के ऊपर. चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ये देखते कैसा कूदा है. The mouse jumped on the mat. देखो ये मैट है, this is the mat. Okay, और माउस क्या कर रहा था, वो ऐसा उड़ रहा था, jumped. क्योंकि यहाँ पर ed आया है, वो काम कर चुका है ये, तो इसलिए देखो इस तरह से बताया हुआ है. ओके, यहाँ से वो कूदा उड़ा फिर वापस अपनी जगह पे आ गया. द माउस जम्प्ड ऑन द मैट. वो चटाई के ऊपर क्या कर रहा था, जंप किया उसने, कूद गया. ओके, यहाँ से आया हुआ घर में और यहाँ पर उसने ऐसा करके जोर से जंप किया. ओके, नेक्स्ट वर्ड अगेन दिस स्लाइड. अ कैट. हमने यहां से लिया ब्लू हाउस से अ कैट. फेल. देखो मैंने वापस नीचे जंप करके, मैंने भी यहां से जंप करके डायरेक्ट लास्ट वर्ड पे आ गई हूँ. हाँ, फेल यानी गिर गई. कहाँ से गिरी, यहाँ से मुझे देखना है कहाँ से गिरी, वॉल से गिरी, कहाँ से गिरी. फ्रॉम द ट्री. मैंने वॉल नहीं लिया, मैं वापस ऊपर सेंटेंस पे चली गई हूँ. मुझे इनमें से कोई भी वर्ड्स में ले सकती हूँ, कोई भी जो हाफ सेंटेंस ले सकती हूँ. तो यहाँ पर एक चीज मुझे और बतानी, देखिए यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है हर सेंटेंस के बाद में, देखा है ना. लेकिन इन दो वर्ड्स पे नहीं लगा है. फुल स्टॉप का मतलब क्या है, हमारा सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया है. ओके, देखो यहाँ पर सबके आगे फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है. जब हमारा सेंटेंस खत्म होता है तो हम लोग उर्दू में खत्मा लगाते हैं ना, इसी तरह इंग्लिश में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप. तो यहाँ पर सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, द अ कैट फेल फ्रॉम द ट्री. यानी कैट क्या है, ट्री पे से गिर गई. अ कैट फेल फ्रॉम द ट्री. लुक एट द पिक्चर. कैट यहाँ आई होंगी और वो क्या हुआ, अचानक ट्री के ऊपर से गिर गई. हाँ, गिर गई. अ कैट फेल फ्रॉम द ट्री. यहाँ पर फॉलिंग नहीं है बल्कि फेल लिखा हुआ, यानी वो गिर गई, वो काम हो चुका है. एंड फ्लावर आर डांसिंग. देखो यहाँ पर फ्लावर डांस कर रहे हैं, वो गिर रही है. यस मिस, यस मिस. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगेन दिस हाउसेस. अब ये हाउसेस में से हमको अब कुछ नया अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है.
तो मैं यहाँ ले लेती हूँ अ डॉग, डॉग देन वॉक्ड यानी वो चला, कहाँ चला, कहाँ तक चला है, टू द वॉल यानी वो दीवार तक चलते हुए गया, ठीक है, टू द वॉक यानी ये वॉक्ड का मतलब क्या होता है, गया, ठीक है, अ डॉग वॉक टू द वॉल, वॉल का मतलब होता है दीवार, अगर यहाँ पर वेल लिख देती तो क्या हो जाता, एक ई लगा देती तो क्या वर्ड का मतलब बनता, वेल का मतलब मालूम है आप लोगों को, वेरी गुड, किसने कहा, कुआं, जैनब, जैनब को मेरी तरफ से स्माइली मिलता है ये, ठीक है, वेरी गुड जैनब, तो कहाँ तक गया, देखिए अभी इस सेंटेंस को हम लोग पिक्चर की मदद से जानते हैं, अ डॉग यानी एक डॉग, ठीक है, वॉक चला गया, कहाँ तक गया, टू द वॉल, लुक एट द पिक्चर, दिस इज द वॉल, ये है वॉल है, एक दीवार है, एंड दिस इज अ डॉग, डॉग क्या हुआ, चलते हुए कहाँ तक गया, दीवार तक गया, कूदा नहीं, कूदा होता तो जंप होता, ये वॉक किया है, वॉक का मतलब है चलना, वॉकिंग करते हैं ना आप लोग, वॉकिंग, हाँ तो वॉकिंग यानी हम लोग कर रहे, लेकिन वॉक का मतलब उसने किया, वो गया, ठीक है, क्या हमारे सब सेंटेंसेस जो है वो पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस को क्या कहते हैं उर्दू में मालूम है ना आप लोगों को, क्या कहते हैं, माजी, यानी जो काम हो चुका है, माजी में है, तो माजी को इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस, कौन सा टेंस है ये, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, हाँ याद रखना, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अमित के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, अमित के पास जाते हैं, अमित, ओके, इनाम है एक लड़के का, दिस इज द नेम ऑफ अ बॉय, अमित क्लाइम्ड यानी वो चढ़ गया अ वॉल, अ वॉल यानी दीवार के ऊपर वो चढ़ गया, हाँ अमित क्लाइम्ड अ वॉल यानी वो दीवार के ऊपर क्या हो गया है, वो चढ़ गया है, ठीक है, देखिए इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये भी दीवार वगैरह आप लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये भी हमको लेसन से सीखना है कि जो गलत काम है हमको नहीं करना है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में छुट्टियां है तो आप लोग खेलते हो ना, तो इस तरह से नहीं खेलना जिनसे आपकी जान को नुकसान हो, अमित ये क्या लिखा है, अमित क्लाइम्ड अ वॉल यानी वो दीवार पे चढ़ गया, दिस इज अमित, ये कौन है, अमित है, अमित एक लड़के का नाम है, और वो क्या, उसने क्या किया, वो दीवार पे चढ़ गया, दिस इज अ वॉल, ये है वो दीवार जिसपे वो चढ़ गया, ठीक है, yes, Look here, again this sentence. अब अमित के बाद में आती है नीता, उसकी सिस्टर समझ लो, नीता, this is the name of a girl, ये एक लड़की का नाम है, अब नीता ने क्या किया, अब नीता ने क्या किया, देखो ran, नीता ran यानी भाग गई, कहाँ भाग गई, जल्दी से, क्या हो रही थी, बारिश, भागी जल्दी से, भाग के अंडर द ट्री, जल्दी से भाग के ट्री के नीचे वो भाग गई, नीता, यहाँ क्या लिखा हुआ, नीता रैन अंडर द ट्री, अगर वो भाग रही होती तो रैन की एक ही जगह पे कौन सा वर्ड होता, अगर मुझे रन लिखना, ये लिखा हुआ रैन, अगर ये, अगर यू, वेरी गुड, तो आप लोग समझ रहे, ये पास्ट टेंस है, इसलिए हो गया रैन, ठीक है, कहाँ भाग गई वो, अंडर द ट्री, नीता ran under the tree. नीता कहाँ भागी, अंडर द ट्री, देखिए ट्री के अंदर भाग के गई, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही थी, उसे से लगा बारिश होने वाली है तो जल्दी से मैं अपने आप को बचाने के लिए कहाँ भाग जाऊं, ट्री के नीचे, नीता ran under the tree. देखो हम लोगों ने जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं आखिर में उसके क्या है, ये फुल स्टॉप है, यानी हमारा यहाँ पर जितना सेंटेंस खत्म हो गया है, ठीक है, नीता रैन अंडर द ट्री,
और जितने भी हमने सेंटेंसेस बनाए हैं हर एक का एक मतलब है, ठीक है, मीनिंग है। वर्ड्स को चुनके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। नाउ फ्रॉम दिस हाउसेस, अभी देखिए यहाँ पर अभी कुछ एक नया है, वर्ड्स है यहाँ पर। पहले तो हमारे पास एक एक चीजें थी, लायन, माउस, अ कैट, अ डॉग, एक लड़का अमीर, एक लड़की नीता, लेकिन अब ये दो लास्ट के में है, कुछ डिफरेंट है। ओके, अ फ्यू मैन, मैन का मतलब है कुछ लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया हमारा, अ फ्यू मैन, कुछ लोग, क्या हो सकता है, कोई हेल्प करेगा मेरी यहाँ पर, अब बताओ क्या बनेगा सेंटेंस। Walk. कुछ लोग चले, कहाँ चले, देखिए मैं बताती हूँ, ऑन द मैट के ऊपर चल रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। चलिए ऑन द मैट तो आपने सही बोले, लेकिन बीच का वर्ड मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, अ फ्यू मैन स्लेप्ट, मैट के ऊपर चलेंगे नहीं, उन लोग क्या करेंगे मैट के ऊपर, सो गए। किसके ऊपर सो गए, कुछ लोग। जैसे अगर आप लोग वॉक करते तो हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता कि कुछ लोग चल रहे चटाई के ऊपर, चटाई के ऊपर तो सोया जाता है ना बेटा, मैट के ऊपर। तो हम लोग ने मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनाया, अ फ्यू मैन स्लेप्ट ऑन द मैट, मैट के ऊपर क्या हुआ, लोग कुछ लोग सो गए, स्लेप्ट का मतलब सो गए। फर्स्ट सेंटेंस में हमारे कौन सोया था, लायन सोया था, अब यहाँ पर कौन सो गया, जरूरी नहीं कि एक वर्ड को एक ही मर्तबा लो आप, स्लेप देखो हम लोग ने सेकेंड मर्तबा लिया है, पहले हम लोग ने लिया था आधा लायन स्लेप अंडर द ट्री, क्या है ये, फ्यू मैन यानी एक आदमी नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर फ्यू यानी कुछ, फ्यू के लिए क्या लिखा हुआ, कुछ, यहाँ पर फ्यू आएगा कुछ, यानी उसने गिरा नहीं कि फोर मैन या फाइव मैन, उसने कहा कुछ, है ना, अ फ्यू मैन स्लेप्ट, सो गए, कहाँ सो गए, ऑन द मैट, चटाई के ऊपर, लोग क्या कर गए, सो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। नाउ लास्ट, सब चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, है ना, सम चिल्ड्रन या फिर कुछ बच्चे, लोगों ने क्या किया, लुक हियर, क्लाइम्ड यानी चढ़ गए, कहाँ चढ़े होंगे बताओ वापस से, अमित चढ़ा तो अमित को देख के भी कुछ बच्चे किस पे चढ़ गए, बॉल के ऊपर, बॉल के ऊपर, सम देखो इधर, सम यहाँ पर कुछ बच्चे, बच्चों का उन्होंने काउंटिंग नहीं किया है, सम कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे तो हम एक से ज्यादा ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर तीन बच्चों को लिया है, तो सम चिल्ड्रन यानी चाइल्ड होता तो यानी एक बच्चा, पर चिल्ड्रन यानी एक से ज्यादा, तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर प्लूरल भी हो गया। क्लाइम्ड अ वॉल, कुछ बच्चे कहाँ चढ़ गए है, ऊपर चढ़ गए है। ओके, आखिर में आया हमारा फुल स्टॉप, यानी हमारे यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया है, सम चिल्ड्रन क्लाइम्ड अ वॉल, ओके, वॉल। देखिए हमने सब वर्ड से, ब्लू हाउस से ले लिया वर्ड्स, येलो हाउस से ले लिया, वी टेकन द वर्ड्स फ्रॉम द ग्रीन हाउस आल्सो, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू समथिंग न्यू टू यू, ओके, this is not compulsory to take only one word from the one house, aisa koi zaruri nahi hai ki aap ek house jo yellow house hai particularly first house isme se ek humko ek riayat di gayi hai ki isme se tum koi bhi do word bhi le sakte ho aur beech mein and laga kar sentence bana sakte ho, theek hai, from the blue house ne humko abhi ek कंसेशन दे दिया, एक रियायत दी है, तो यहाँ पर हम लोगों को उसने कहा है कि आप लोगों ने इसमें से एक एक वर्ड लेके सेंटेंस बनाया ना, तो आप लोग एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, जैसे पहला सेंटेंस हमने यहाँ से लिया था पहला वर्ड, दूसरा वर्ड यहाँ से, तीसरा ही लिया था,
बट नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ सेंटेंसेस विथ टू वर्ड्स फ्रॉम द ब्लू हाउस. हम लोग कोई भी दो वर्ड को लेंगे यहाँ से, और यहाँ से येलो हाउस से एक और ग्रीन हाउस से एक लेके वी विल मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. ओके, समझ में आया? पहले हमने हर एक हाउस में से एक एक का वर्ड लिया था, लेकिन अभी सिर्फ येलो वाले ने हमको, सॉरी ब्लू वाले हाउस ने हमको कहा है कि आप मेरे में से दो वर्ड ले सकते हैं और बीच में कौन सा वर्ड लगा सकते हैं. एंड, एंड का मतलब मालूम है आपको? एंड का मतलब मालूम है? देखो मैं यहाँ पर लिख रही स्पेलिंग. मुझे मालूम था आप लोग एंड यही बोलेंगे, इसलिए देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ ए एन टी. ये ए हमारा कुछ क्यों के जैसा बना है, बट दिस इज ए. ओके, ए एन डी. एंड का मतलब क्या होता है? और अब मुझे किसी और बच्चे की आवाज आई थी, वो मुझे ये कह रहा था कि, है ना, किसी ने कहा था ना, किसने कहा था बेटा? गलत नहीं था आपका भी, लेकिन यहाँ पर ये एंड का नहीं यूज करना है हमको. इस एंड का मतलब होता है खत्म, उसने मीनिंग भी कहा था. हाँ, इसलिए मैंने कहा, मैंने यहाँ पर लिख के दिखाना, ज्यादा सही समझा. क्यों? क्योंकि ये एंड का मतलब क्या होता है? और अलीफ, क्या आएगा अलीफ के बाद में? वाओ, रे. और इस एंड का मतलब क्या होता है? खत्म. खत्म. खत्म कहाँ लिख कर आता है? आप लोग का अक्सर देखते हो, कहाँ लिख कर आता है? सेंटेंस के एंड में. सेंटेंस के एंड में एंड का लिखा होता है? एंड का लिखा होता है. देखो अक्सर आपके एग्जाम के पेपर्स होते थे, दी एंड लिखते थे वहां पर. yes, फिल्म खत्म होती है, हाँ, लास्ट में कि हमारा पेपर खत्म हो गया है, या फिर फिल्म जब एंड होती है ना, आप लोग फिल्म में देखते हो ना, दी एंड लिख कर आता है ना. तो ये एंड का मतलब है खत्म. बट नाउ, लेकिन हमें क्या यूज करना है यहाँ पर? कौन सा वाला एंड यूज करेंगे हम लोग? आप लोग और वाला. वेरी गुड. चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्लू हाउस की तरफ, जिसने हमको इजाजत दे दी कि आप मेरे में से दो वर्ड ले लो. लायन, और फिर मैंने ऊपर से ले लिया एंड द माउस. मैंने ऊपर से ले लिया एंड, हाँ, द लायन एंड द माउस स्लेप्ट. कहाँ सो गए दोनों? कहाँ सो? अंडर द ट्री. वेरी गुड. ओके, अब दोनों दोस्त बन गए हैं, चूहा और शेर. लुक एट द पिक्चर. द लायन एंड द माउस स्लेप्ट अंडर द ट्री. देखो ये लायन दिखा आप लोगों को, और छोटा सा उसके हाथ के पास माउस भी है. दोनों को नींद आ गई. हाँ, दोनों क्या हो गए? दोनों सो गए. ओके, देखिए हम लोगों ने ब्लू हाउस से दो वर्ड लिया और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया. ओके, लाइक दिस वे यू कैन ऑल्सो मेक. इस तरह से आप लोग भी क्या कर सकते हैं? वर्ड बना सकते हैं. चलिए, फिर हमारे पास ब्लू हाउस आ गया. अब ब्लू हाउस ने कहा यू कैन ऑल्सो टेक अनदर टू वर्ड्स. उसने हमसे कहा कि आप लोग और दो वर्ड लेके चलो, हमको बताओ. ओके, नाउ अ कैट एंड अ डॉग. कैट और डॉग क्या कर रहे लोग दोनों ने? क्लाइम्ब. कहाँ चढ़ गए? क्लाइम्ब वॉल. पहले बच्चे लोग चढ़े थे वॉल के ऊपर, अभी कौन चढ़ गया है? कैट और डॉग वॉल से चढ़ गए. कैट, यहाँ पर हमने क्या ऐड किया? वर्ड एंड, जो हमारे हाउस में नहीं था, जो हमारे टेबल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने ये खुद से ऐड किया है. अ कैट एंड अ डॉग क्लाइम ऑन द वॉल. देखो, लुक एट द पिक्चर.
दोनों वॉल के ऊपर चढ़ गए. ओके फ्रंट एक दूसरे के आमने सामने ये खड़े हो गए. ये लोग ने क्लाइम करे चढ़ गए ऊपर. ओके हैव यू अंडरस्टूड. आप लोगों को समझ में आ रहा है ना किस तरह से हमने किया है सेंटेंस, किस तरह से हम लोग मेकिंग कर रहे हैं. सेंटेंस हमारा खत्म हो गया है इसलिए हमने यहाँ पर एक फुल स्टॉप भी लगाया है. अगेन फिर इसके बाद में हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ हमारा नया बनता है. सब चिल्ड्रन कुछ बच्चे, जरूरी नहीं कि हम लोग ऊपर की दोनों की जोड़िया बनाए फिर ये दोनों की बनाए तो अमित और नीता की बनाए, नहीं हम डायरेक्ट नीचे आ गए. सब चिल्ड्रन कुछ बच्चे एंड अ डॉग, हमको अपने तरफ से लगाना है. कुछ बच्चे और डॉग लोग कहाँ गए, वॉक्ड चलते चलते कहाँ गए, कहाँ तक गए होंगे, टू द वॉल. कुछ बच्चे यानी हमने हाँ यहाँ से हम दो सेंटेंस दिए, अ डॉग एंड सम चिल्ड्रन. यहाँ हम लोग किसका सेंटेंस बनाएंगे, सम चिल्ड्रन एंड अ डॉग वॉक, कहाँ चलते चले गए लोग, वॉक टू द वॉल. सम चिल्ड्रन एंड अ डॉग रैन टू द वॉल, या रैन टू द वॉल या भागते हुए गए, या फिर लोग कहाँ गए, वॉक टू द वॉल या रैन टू द वॉल. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लोग भाग रहे, या फिर हम लोग इसको वॉक्ड भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग रैन भी कर रहे हो. यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं. ठीक है तो हम लोग वॉक्ड भी लिख सकते हैं या फिर रैन करते हुए जा रहे. देखो यहाँ पर छोटा सा डॉग भी दिखा लोग के साथ में, yes, please. वॉक टू द वॉल. अच्छा आप लोगों को समझ में आया अच्छी तरह से, क्योंकि सेंटेंसेस आपको दिए है चैट बॉक्स में, आपको लिंक दे रही हूँ मैं. आप लोगों को वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, आप लोगों को पिक्चर को कीनली ऑब्जर्व करना है. यू हैव टू ऑब्जर्व द पिक्चर कीनली देन फिल इन द ब्लैंक्स. उसके नीचे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप लोगों को क्या करना है, पिक्चर में क्या हो रहा है वो देख के फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके जी टीचर, जी टीचर, आई एम गिविंग यू अ लिंक इन द चैट बॉक्स. ओके दिस लेसन वेरी नाइस. Afterwards, you can say afterwards, यानी आप लोग बाद में करेंगे. I will say you will understood or not. मैं आपको बताऊंगी आप लोगों को समझ में आया है या नहीं. ओके देखिए आप पहले मुझे आंसर करो 10 out of 10. अगर आपको ज्यादा लोगों को मिला इसका मतलब आपने ध्यान से लेसन सुना है, आपको ये समझ में आया. Okay, press the link and fill the Google form. You will get only the marks. Okay, you will not get the certificate. आपको सिर्फ इसमें marks मिलेंगे. देखिए मैं 2-3 मरतबा यहाँ पर press कर दे रही हूँ ताकि आपको link भरने में आसानी हो. ठीक है open हुई link आपकी, yes miss. Okay, thank God. मैं अभी लिस्ट देखती हूँ कि किसने मुझे अभी लिंक सबमिट किया है. सबसे पहले कौन आया मेरा बच्चा. ओके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और सही किसका आता है. ओके वेरी गुड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं 10 out of 10. मैं सबको अपनी तरफ से देती हूँ मेडल.
फर्स्ट है मोहसना, 10 out of 10 मोहसिना को 10 out of 10 मिला. सेकंड है मरियम, वेरी गुड मरियम साजिद, 10 out of 10. आयशा इस्लाम, 10 out of 10. माशाल्लाह सबको देखो 10 out of 10 मिल रहा है. ये स्टार्टिंग सबसे पहले मेरी बच्ची आई है दौड़ते हुए मेरे पास में मेडल लेने के लिए, मोहसिना मोरोल उर्दू प्राइमरी स्कूल से, जल्दी से मेडल ले लो. वेरी गुड. सेकंड मेरी बच्ची आई है मरियम साजिद. देखो यहाँ पर तो लड़कियों ने मैदान मार लिया. फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों तीन बच्चे सबसे पहले सबमिट करने वाली बच्ची है. 9:30, 37 यहाँ पर 9:30 को दोनों लोगों ने किए, लेकिन सेकंड सेकंड का फर्क हो गया है. सेकंड है मरियम साजिद, उसको भी मेरी तरह से मेडल मिलता है. और आयशा इस्लाम ये मदनी प्राइमरी स्कूल की है, और मरियम है मोहम्मदी उर्दू प्राइमरी स्कूल की. ये तीनों ने 10 में से 10 लिया है स्टार्टिंग में एकदम. देखो कितने फौरन लोगों ने जल्दी सबमिट किया है. वेरी गुड. आप लोगों को मार्क्स स्कोर नजर आए ना बेटा, माशाल्लाह ज्यादातर तमाम बच्चों को 10 out of 10 मिल रहा है. यानी आपको मेरा ये लेसन समझ में आ गया है. अब बुलाया कि नहीं बेटा, समझ में आया कि नहीं? यस और नो? Nice. सबको 10 में से 10 मिला. रिमशा, सुरभि अंसारी, सुरैया अंसारी, सलीका, सुफिया, नूर फातिमा, समरीन, और ये अलग अलग स्कूल से, खैर इस्लाम चैम्बूर स्कूल, गुलशन इस्लाम, अंजुमन इस्लाम प्राइमरी, मदनी स्कूल, मौलाना आजाद का जमान. देखो जमान का भी 10 out of 10 मिला है. जल्दी जल्दी लिंक फिल कीजिए. देखो अभी तो 57 स्टूडेंट्स ने हमारी ये लिंक फिल कर चुकी है. स्कोर आ रहा ना बेटा आप लोगों को 10 out of 10. देखो आयशा बता रही है वेरी गुड, सब लोग मुझे साथ बता रहे 10 out of 10 वेरी गुड. तो मेरे तमाम बच्चों को जिन्होंने 10 out of 10 लिया है मेरी तरफ से क्या मिलता है, ये मेडल और ये स्माइली. जल्दी से हाथ बढ़ा के लो, जल्दी से उठो नींद में से. हाँ सब लोग जागे हुए, देखो आयशा कितना हाथ बढ़ा रही है. वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके, और आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा? आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि आपको इस तरह के सेंटेंसेस और भी बनाने हैं जो हमारे पेज नंबर 53 पे है. ओके वैल्यूएशन टाइम हमारा हो गया है. ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है? पेज नंबर 53, ओपन योर बुक एंड लुक एट द पेज नंबर 53. यू विल सी दिस. ओके, ये आपको क्या करना है, इसमें से और सेंटेंस बनाना है, बट सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल. वेरी नाइस, मेरा भी 10 out of 10 आया. ओके वेरी गुड बेटा. देखिए हमारी एक मैं आपको वीडियो बताती हूँ बिफोर दिस. थैंक यू बेटा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया.
थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है बच्चों, लिंक खुली रहेगी, आपको जल्दी जल्दी फिल करना है. और 76 स्टूडेंट्स ने अभी तक लिंक फिल कर चुकी है. ओके okay?